हम कहते हैं कि सपने नहीं मरने चाहिए। सरकार की उसने फिल्म मेकिंग कंपटीशन किया था, उसमें 78 प्रविष्टियाँ आई थी जिसमें से 7 लड़कियों को अवार्ड दिया गया है। पढ़ाएंगे, अभी भी वो स्टूडेंट है हमारे क्लिनिकल न्यूट्रिशन आर्किटेक्ट्स के सेंटर के थर्ड ईयर की स्टूडेंट। निर्वहन में लवली ने जो भूमिका निभाई है वाकई वो बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है। अब तक 78 फिल्म लिखकर इन्होंने 7 फिल्मों में पुरस्कार पाया है और जिसमें चौथे स्थान पर इन्होंने अपनी जगह बनाई है। ये छात्रा पूर्णिया की लवली है। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा एवं अन्य सभी बातों पर हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि लवली क्या कुछ कहती है। कंट्रोल सोसाइटी से हम पहले से ही जुड़े हुए थे तो ये फिल्म कंपटीशन के बारे में उसके थ्रू ही हमको पता चला, और पता चला कि इसमें एक फिल्म बनाना है जिसमें कई सारे टॉपिक्स थे, 7-8 टॉपिक्स थे जिसमें हर टॉपिक्स एड्स से रिलेटेड, HIV एड्स से रिलेटेड था। तो उसमें से हम जो टॉपिक चूज़ किए थे वो था 1097, जो कि एक टोल फ्री नंबर है। तो इस नंबर को हम एक फिल्म के तरीके से दिखाएं ताकि एक जो आम नागरिक है वो भी इस नंबर का जो ज़रूरत है उस चीज़ को समझ सके। तो इस नंबर का क्या इम्पोर्टेंस है उस फिल्म में हम ये दिखाए हैं, और बहुत ही सरल तरीके से। अच्छा, क्या लगता है इतने कम उम्र में आपने अब तक 78 फिल्में लिखकर और 7 फिल्में में पुरस्कृत हो चुकी हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस बीच कहाँ कहाँ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किन लोगों का साथ मिला, किन लोगों का नहीं मिल पाया? टीचर्स हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, बाकी इस एड्स कंट्रोल सोसाइटी से तो पहले से ही जुड़े हुए थे तो इसमें बहुत सारा काम करने का मौका मिला। तो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा था इस फील्ड में कि HIV एड्स से रिलेटेड कितना सारा प्रॉब्लम है और क्या क्या गवर्नमेंट कर रही हैं। तो नॉलेज पहले से ही था, बस उसको एक फिल्म के जरिए से दर्शा दिया गया। अच्छा, तो आप पुरस्कृत हुए और घर में इसकी कितनी खुशी आपको मिल पा रही है अपने घर के परिवार वालों से? मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है, बाकी भाई पापा ये सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, उनका भी सपोर्ट काफ़ी रहा था। अच्छा, वैसे छात्रों को आप क्या कहेंगी जो इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं? आप इतना अचीव अभी राज्य स्तरीय आप पहुँच चुकी हैं और कोई पहुँचना चाहता है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? अगर आप में क्रिएटिविटी है तो आप बस उसको सही रास्ते पे उस क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी आजकल लोग एक्टिंग वगैरह और एडिटिंग वगैरह टैलेंट सब में है, तो उस टैलेंट को लोग दूसरे तरीके से यूज़ कर रहे हैं बस टाइम पास के लिए। तो टाइम पास के अलावा उस चीज़ को आप सही तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये जागरूकता वीडियोस वगैरह बहुत सारा ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो गवर्नमेंट चाहती है कि युवा आगे आए और उस चीज़ पे काम करें, तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिस पे आप काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी बहुत ज़्यादा है, मतलब रिवॉर्ड के तौर पे 10,000 रुपये मिला, उससे ज़्यादा खुशी ये है कि ये मौका मिला कि हम अपने कॉलेज का, टीचर्स का, ये सब का नाम रोशन कर पाए। अब तो आगे क्या सपना है आपका इसमें? इस फील्ड में, मतलब हाँ, ये मेरा हॉबी ज़रूर था, मतलब अच्छा लगता है ये क्रिएटिविटी एडिटिंग वगैरह करना, ये पसंद है, बट जो मेरा पढ़ाई है उस फील्ड में ही हमको आगे करना है। क्या नाम हुआ? लवली। पिता का नाम? दिलीप कुमार। कहाँ घर है? जानते हैं, यहाँ बैठे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, वो कुछ क्या? लवली ने फिल्म बनाकर एड्स के प्रति लोगों को जागरूक, वो टोल फ्री नंबर है जिस पर एड्स की के बारे में जानकारी, जो मैंने समझा, जानकारी मिल सकती है, और उस नंबर के महत्व को लवली ने जिस तरह से उजागर किया है फिल्म में विभिन्न फुटेज के जरिए संपादित करके, वो गौरव की बात है। इन क्षेत्रों में हमारी बच्चियों ने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है जो हमारे लिए गौरव की बात है और अचरज का भी विषय है कि हम इसका हकदार बनते हैं। हमारे उन तमाम विचारों को, मूल्यों को लवली ने नए सिरे से सार्थक बनाया है, इसलिए मैं इसको बधाई तो दे ही रहा हूँ। ये न सिर्फ लवली के लिए गौरव के क्षण हैं, ये हमारे पूरे महाविद्यालय परिवार के लिए गौरव के क्षण हैं। न्यूज़ 18 डिजिटल पूर्णिया से विक्रम झा की रिपोर्ट।